बैक टू माय चैनल। इतने दिनों बाद ब्लॉग बना के इतना अच्छा लग रहा है। सैलून गई हुई थी, फिर मैं गई मार्केट टिया के लिए टॉयज लेने। रीजन ये है बिकॉज टिया का बर्थडे आने वाला है सेप्टेम्बर 11th। तो अभी उसका रिएक्शन देखते हैं, इतना अच्छा लगता है जब भी हम उसको कुछ देते हैं। जब भी कोई पार्सल डिलीवरी बॉय आता है, अमेजोन का पार्सल आता है, शी गेट सो एक्साइटेड। मम्मा आपके लिए टॉयज ले ही है। You want to see? Excited? क्यों आया? टॉयज आए टिया के लिए। Sit down. On करो 1 to 10, मम्मा ला रही। Open your eyes. एक और टॉय भी है गिफ्ट। लाओ। एंड आई हैव वन मोर टॉय। यू लाइक कलर्स? और मोर। मोर। दो मिलके हो गया बस मोर की बच्ची। एक दिन में कितना मिलेगा और? डेली आएगा थोड़ा थोड़ा। इसके कपड़े मत उतारना, ठीक है? खराब हो जाएंगे कपड़े। खराब मत करना इसको, ठीक है? थोड़ा देखो क्या है। कपड़ों को ओपन करो। टिया का न्यू टॉय ओपन हो रहा है। वाओ, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सो क्यूट कलर्स। तो कलर करके ना इससे रिमूव भी हो जाएगा। दिखाई करके बैठो। अभी जो इसका टॉय आया है, देख लो उसका हाल। ये पड़े हैं इसके जूते, ये पड़े हैं उसके कपड़े। मोटू का हाल देख लो। उसको मक्खी मार। बेटा, मम्मा इतनी महंगी डॉल लेकर आई थी, उसको एक घंटा तो ढंग से रहने देते। लाके दिखाओ उसको। क्यूटी चोनू, चोनू मम्मा को पाम ही नहीं करा। ये पापा, पापा डर्टी, पापा डर्टी। मम्मा क्यूट है ना? हाँ। वाओ, आपने भैया के शूज नीचे क्यों रखे? नीचे डर्टी डर्टी। अच्छा, डर्टी हो जाएगी बेची। हाँ। शूज नहीं आ रहे, शूज नहीं 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 आ रहा। हाँ? What are you eating? दाल चावल। तो टिया अभी कर रही है लंच। जो मैं इसका दूसरा टॉय लाई हूँ ना, ये बहुत यूजफुल है क्योंकि ये नॉर्मल कलरिंग कार्ड्स नहीं है, रीयूजेबल है। मतलब इसके पास कलरिंग कार्ड्स और कलरिंग बुक्स बहुत सारी हैं जो वेस्ट हो जाती है, जिसको ये फाड़ देती है। बट इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ एक इरेजर जैसा एक चीज़ मिली है जिससे ये रब कर रही है। सो अगर इसको एक बार कोई बच्चा यूज़ कर लेता है, सो वी कैन रब इट एंड रीयूज इट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी अगर लेना है तो आप ज़रूर इसको ले लें, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों पे पैसे वेस्ट करे हैं, तो मुझे ये चीज़ अभी तक यूज़फुल लगी है। इसका नाम है कलर एंड वाइप। तो आपको लेना हो तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन भी आई थिंक मिल जाएगा, अगर मैं शॉप से लाई हूँ, बट ऑनलाइन भी होगा ही अवेलेबल। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जब हमारे घर में रेनोवेशन चल रही थी, जिसमें से जो हमारा नानी का रूम था, दिस वन जो आपने देखा होगा, हम बाहर से मैं जब भी आती हूँ तो इस रूम में नानी का रूम होता था, इसके साथ यहाँ पे दीवार थी। मतलब यहाँ कोई रूम नहीं था, यहाँ एसी होता था। तो ये रूम हटा के हमने बना दिया है टिया का रूम। इट्स नॉट प्रिपेयर्ड येट, आई मीन मेरे को अभी करना है डेकोरेट। अभी ये सिर्फ कुछ ऐसा दिखता है। अभी सिर्फ इसका बेड पड़ा है, यहाँ एक बाहर विंडो है। करूँ अभी टिया की बस छोटी सी फोटो टंगी है। अभी कुछ भी नहीं करा है। तो अभी सब सामान ऐसे इसमें पड़ा है, बाकी कुछ मेरे रूम में है। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि एक बच्चे का प्ले रूम वैसे भी सेपरेट होना चाहिए, नॉट अ बेडरूम। मतलब मुझे वो चीज़ तो नहीं सही लगती है जो बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को पहले से ही मतलब बचपन से अलग सुलाना शुरू कर दो एंड ऑल, विच इज़ अ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है जो लोग करते हैं, बट टिया हमारे साथ ही सोती है। और अब बस उसका जो एक रूम है वो एक प्ले रूम मैं बनाना चाह रही हूँ, जो कुछ दिनों में बन जाएगा। अभी उसका ये एक हाइट वाला चार्ट आया है, तो जो अभी प्रशांत को मैंने बोला अभी, टिया कम
तो प्रशांत अभी उसका एक हाइट वाला चार्ट लगाएगा, मतलब जो स्टिकर होता है, तो वही मैं देख रही हूँ कि कहाँ किस जगह लगाएं। देखना यार कहाँ लगेगा। टिया योर रूम, यू लाइक योर रूम? यस यस, शो एवरीवन दिस इज माय रूम रूम। तो ये टिया का छोटा सा टेबल चेयर है, अभी ऐसे बंद करा हुआ है। इसका पियानो है, बाकी कुछ सामान यहाँ गिरा पड़ा है जो लगेगा हैंगिंग। हाउस टूर भी अभी नहीं आया है, जो सब कुछ अभी हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं। ये लगा दो यार चार्ट, इसका हाइट चार्ट, हाइट मेजरमेंट चार्ट। तो मैंने खुद पहली बार देखा है, पता नहीं कैसे लगेगा ये। लग के अलग अलग स्टिकर्स हैं इसके अंदर। वाह, व्हाट इज दिस, यू वांट टू हैंग इट, शो मी क्या लिखा है उस पर, दिखाओ। ये टिया के लिए एफर्मेशन हैंगिंग चार्ट में मंगाया था, विच सेज आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑनेस्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम काइंड, आई एम लव्ड एंड आई एम ब्रेव। गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं टिया के लिए सुपर फूड विच इज ड्राई फ्रूट्स का और उसमें कुछ प्रीमियम चीज़ें डाल के जो मैं उसके लिए एक चीज़ रेडी करती हूँ, पाउडर बेसिकली होता है वो, और उसको मैं डेली डाइट में इंक्लूड करती हूँ। सारा प्रोसेस दिखाऊंगी, उसके बाद उसको मैं कैसे ऐड करती हूँ। जैसे मैं कभी कभी हलवा बना लेती हूँ, हलवा भी अलग चीज़ों का बनता है, लाइक कभी बेसन आटा सूजी या कभी मिक्स करके भी, या फिर आप कभी खीर बना रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ में आप उस पाउडर को इंक्लूड कर सकते हो डेली डाइट में बच्चे की। तो आप वो वीडियो देखो कि कैसे वो प्रोसेस है। तो मैंने ये सारा सामान यहाँ रख दिया है जिससे मेरा सुपर फूड रेडी होगा। सबसे पहले लेते हैं मखाने, जिसको मैंने यहाँ पे रोस्ट होने रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैं लेने वाली हूँ अखरोट, जिसे कहते हैं वॉलनट, और साथ में है भुने हुए चने, जिसको हम करेंगे दोबारा रोस्ट एक बार। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें आलमंड्स, साथ में मैं लूँगी वाइट तिल। आई एम श्योर आपको सब बेनिफिट्स पता होंगे इन सब चीज़ों के, लेकिन मैं बता देती हूँ वाइट तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, सो इट्स वेरी गुड फॉर बोन्स। और ये रहा हमारा काओ मिल्क घी जो हम यूज़ करेंगे रोस्टिंग में। तो चलो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो रोस्ट करने के बाद इसको मैंने निकाल के अलग रख दिया है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। तब तक मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसको रोस्ट कर लेती हूँ, और मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ उसको ठंडा होने के लिए। मेरा सारा ड्राई फ्रूट भी रोस्ट हो चुका है, तो चलो इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं ताकि ये भी थोड़ी देर ठंडा हो जाए। और तब तक मैं क्या करती हूँ, जो मखाने मैंने रखे थे ठंडे होने के लिए वो ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, और अब इसको हम जाके इसका पाउडर बनाएंगे, मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। आपने देखा कि उसका सुपर फूड रेडी हो चुका है, जिसको पाउडर है, और उसको मैं अब उसकी डाइट में कैसे इंक्लूड करती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। शाम के टाइम में डेली उसके लिए मैक्सिमम टाइम्स हलवा ही बनाती हूँ, या कभी कभी कुछ और चीज़ होती है, बट हलवा जैसे कि आज बनाने वाली हूँ मैं सूजी का। सो दिस इज सूजी, ये है घी, ये है देसी खंड कह सकते हो, गुड़ इसका नाम है, मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम मंगाई है, अदरवाइज मैं उसके लिए हमेशा गुड़ यूज़ करती हूँ या कभी कभी खजूर यूज़ कर लेती हूँ मीठा ऐड करने के लिए। तो अलग अलग ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, तो इसमें भी लिखा हुआ दैट इट इज़ फैमिली फिट शुगर कुछ नाम से कुछ प्रमोट हो रहा था अमेज़ॉन पे, तो मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो सबसे पहले मैं भूनूंगी सूजी, तो सूजी में ही मैं ऐड करूंगी मेरा सुपर फूड जो पाउडर मैंने आपको दिखाया है बनाना। कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, इस सूजी भून के लाल हो चुकी है, जैसे ही सूजी थोड़ी सी लाल हो जाए और मेरा पानी भी हो चुका है चाशनी, अभी इसमें ऐड करेंगे हम घी, ऐड कर देंगे चाशनी वाला पानी। तो हलवा बस बन के रेडी होने वाला है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट शी जस्ट इंजॉय इट, उसको बहुत पसंद है ये हलवा। चीनी नहीं है बेस्ट पार्ट कि मैं कुछ ना कुछ अलग फॉर्म में डालती हूँ, लाइक गुड़ और या कुछ अलग फॉर्म, कुछ भी ऐसी चीज़ में डाल रही हूँ तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, तो ज़्यादा डाल दो बिकॉज एनी वेज वो है तो मीठा, तो जितना हो सके हमें अवॉइड ही करना चाहिए, तो मैं कम ही डालती हूँ। हलवा बन के है एकदम रेडी, मैं टिया को खिलाती हूँ। आपको हलवा कैसा लगा? Yes, you liked it? ये है टिया का भैया, टिया ने इसका नाम रख दिया मेरा छोटू सा भैया, और ये भैया टिया को बुलाता है दीदी, है ना?
है ना। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, अभी हो चुकी है शाम, तो मैं मिलूंगी आपको जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। नेक्स्ट वीक हमारे घर में एक बहुत बड़ी पूजा, सावन स्पेशल पूजा, तो आपको वो व्लॉग देखने को मिलेगा। और आई होप आपको मेरी सुपर फूड वाली वीडियो व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपको जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज त्वरिता कपिल व्लॉग।